आपका स्वागत है आयतन आयत इंटरप्राइजेस में। मेरा नाम है फई मंसारी। अभी हम लोग जो है अजहर भाई का परमिशन देने जा रहे हैं और अजहर भाई ने हमारे से जो रूम बुक किया है 300 स्क्वायर फीट का, तो हमारे अजहर भाई जो है इस रूम को रेंट पे भी देंगे और महीने का जो है 2000 रुपये का वो भी रहेगा, क्या बोलते हाँ, तो जो रेंट रहेगा आपका और 5000 रुपये डिपॉजिट रहेगा। तो मैं आपको उनका रूम दिखाता हूँ, रूम देख करके आप बहुत खुश हो जाएंगे। ये इन्होंने EMI बेस पे लिया है और रूम बहुत बेस्ट है हमारा, जो भी आपको देख करके बहुत अच्छा लगता है, क्वालिटी हमारी अच्छी है, तो जो भी है आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये जैसे आप देख रहे हो, ये डोर और बाहर का जो है पूरा ढोलपुरी वगैरह ये है और 7 फीट की स्पेस है। ये बाहर का जो डोर देख रहे हो, ये डोर से हम लोग जो है ग्रीन मार्बल वगैरह सब कंप्लीट करके दिए। हम लोग चलते हैं अभी इनके रूम के अंदर। ये टोटल 300 स्क्वायर फीट का रूम है, इन्होंने हमारे से परचेस किया है और हमने इनको जो है जिस तरीके से अजहर भाई ने चॉइस वगैरह किया वैसे ही हमने इनको बना के दिया। आप रूम देख लीजिए, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये हॉल है, हॉल में हाफ टाइल्स रहती हमारी और ये जो टाइल्स इन्होंने चॉइस किया ये सब इनकी चॉइस है। बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ये पूरा। ये देखिए ऊपर का कलर भी आपको नज़र आ रहा होगा, कितना बेहतरीन लग रहा है। ऊपर लाइट लेकर के आए, लाइट भी लगा देंगे। ये PVC सीट है, अंदर पॉलीकैप की वायरिंग है। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए पूरा का पूरा हाफ टाइल्स वगैरह आपको घूम रहा है। तो हम लोग चलते हैं अभी एक बेडरूम के अंदर, जो कि इनका राइट साइड में बेडरूम है। बेडरूम का भी स्पेस काफ़ी अच्छा है, 10x10 का बेडरूम रहता है। बेड बैठ जाएगा तो आपको आराम से कबाड़ वगैरह भी रखने के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पे टीवी का पॉइंट भी सामने दिया हुआ है, वो दिख रहा होगा, टीवी का पॉइंट है। और ये भी एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। कंसील जितना भी हमारा काम है टोटल कंसील है। ऊपर जैसे कि हमारे ये सीट है और ये देखिए POP जो हम लोग हर कस्टमर को करके देते हैं वैसा हम लोग ने इनको एक भी काम इन्होंने एक्स्ट्रा नहीं करवाया, जो हमारे खर्चे में आता है इन्होंने वैसे ही करवा के लिए है। 10x10 का बेडरूम पूरा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब बिना एक्स्ट्रा काम किए घर कैसा लग रहा आप कमेंट्स में बताइएगा। हम लोग चलते हैं किचन में। किचन के अंदर भी आप देख रहे हो जैसे इन्होंने एल टाइप किचन करवाया। किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी फुल टाइल्स रहती है। ऊपर POP देख रहे हो आपके सामने और ऊपर 500 लीटर पानी की टाकी ये हमारे तरफ से रहती है। यहाँ पे ये बोर्ड जो है ये फिटिंग, ये देखो बोर्ड भी लगाया हुआ है, बोर्ड जरा हमने खोला है लाइट के लिए, तो आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे वॉश बेसिन नल लगाना बाकी है, नीचे वॉश बेसिन का पाइप आ जाएगा और ये पूरा स्पेस आपको दिख रहा है कैसा हमारा स्पेस है, ये दिख रहा होगा आपको। फिर उसके बाद हम लोग ये इन्होंने जो टॉयलेट बाथरूम बनाया है इन्होंने आमने सामने बनवा के लिया है। यहाँ पे अंदर घुसते साथ ही जो है राइट साइड में जो है इनका टॉयलेट आ जाता है। टॉयलेट के अंदर भी जैसे आप देख रहे हो फुल टाइल्स है। और फिर उसके बाद में ये देखिए ये इनका बाथरूम है। बाथरूम के अंदर भी आपको दिख रहा होगा जैसे हमारा ये पूरा काम कंप्लीट करके हमने इनको दे दिया है। तो जो हमारे कस्टमर हैं हमारे से किस तरीके से रूम वगैरह बुक करते हैं आपको तो मालूम ही होगा कि हम लोग का EMI बेस चालू है। तो हम लोग जो है जिन्होंने अजहर भाई ने हमारे से परचेस किया है तो हम अजहर भाई से बात करते हैं कि उनको ये रूम कैसा लगा। तो जैसे दोस्तों मैंने दिखाया ये अजहर भाई का रूम था। हमारे अजहर भाई कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, कैसा बुकिंग करा है, हमारे अजहर भाई जो है हमारे से कितने टाइम से जुड़े हुए हैं और कैसा हमारे से एक्टिविटी की है, ये तो कभी फ़ोन भी नहीं करते, कभी कभार इनका फ़ोन भी आता है, हमने इनको तो इतना फ़ोन करके बुलाया, कहाँ गए थे अभी सब बताए। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम भाई। अजहर भाई क्या हाल चाल है? बस ठीक है भाई, अलहमदुलिल्लाह। अजहर भाई इतना फ़ोन क्यों करना पड़ा आपको सबसे पहले तो ये बता। भाई देखो कैसा है ना, मैं गाँव चले गया था, प्लस जहाँ रह रहा हूँ वहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू है। अच्छा, बहुत फोन करने के बाद अजहर भाई का फोन लगा है। भाई गॉड, इतना फोन तो मैंने किसी को नहीं लगाया जितना अजहर भाई को लगाया था, लेकिन अजहर भाई पहुंच गए और पहुंचने के बाद हमने इनको इनके रूम का परमिशन दिया। तो अजहर भाई क्या काम करते हो? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो, तो मुझे बताओ अजहर भाई अपना कितने टाइम से मेरे साथ जुड़े हो और कैसा आपने मेरे से रूम लिया है? भाई आपसे तो रूम लेके अच्छा लगा और मेरे को होके जुड़ के 1.5 साल हो गया है। हाँ, मेरे को अच्छा लगा है और खूबसूरत भी है, जैसा मैंने देखा वैसा मेरे को मिला। इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया घर के अंदर? मैंने घर के अंदर एक्स्ट्रा काम नहीं करवाया। देख लो आप देख रहे हो ये घर के अंदर इन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करवाया है तो भी घर कितना खूबसूरत बना है। लोग कुछ एक्स्ट्रा काम करवाते हैं उसके अंदर तो आप खूबसूरती बढ़ जाती है। हाँ बढ़ता है। हाँ, तो अजहर भाई आप कहाँ रहते हो अभी इस वक्त? मैं साकी नाका में रहता हूँ। साकी नाका में रहते हो, तो ये जो
साकी नाका में आप रहते हो, वहाँ पे जॉब भी वहीं करते हो? हाँ, जॉब भी वहीं करते हो। तो ये एरिया में अभी 1.5 साल हो गया आप मेरे से आवन जावन कर रहे हो, ये एरिया भी देख रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपके? अच्छा लगा मेरे को इसके लिए मैं आया, और कुछ मेरे दोस्त लोग भी लिए है और कुछ लेने वाले भी। अच्छा, आपका गाँव कौन सा है? मेरा गाँव तो यूपी पड़ रहा है। यूपी में क्या बस्ती? किधर बस्ती? अपना डुगरियागंज। बस्ती के हैं और डुगरियागंज के हैं, तो आपके साथ में है इनका नाम? ये पप्पू है, मेरा भाई है, दोस्त जैसा है, इनके भाई है। पप्पू भाई अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रहते पप्पू भाई आप? अंधेरी रहता हूँ। अंधेरी में रहते हो, तो आप इनकी कॉन्टेक्ट में, मतलब अंधेरी, ये साकी ना करते हो? अंधेरी रहते हो, मतलब साथ में जॉब करते हैं? अच्छा, जॉब साथ में करते हो, तो बहुत ज्यादा अच्छा क्लोज रिलेशन है भाई का। और आप भी इलेक्ट्रिशियन के ही काम करते हो? आप भी इलेक्ट्रिशियन के काम। घर कैसा लगा? माशाल्लाह अच्छा लगा। एरिया कैसा लगा? माशाल्लाह अच्छा लगा। और आपको ऐसा, आप पहली बार आए हो? मैं तो आपको पहली बार देखा है ना, मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो पप्पू भाई मुझे बताओ, ये टिटवाला में भी पहली बार आए हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि गांव जंगल एरिया में आप रह रहे हो? नहीं भाई, माशाल्लाह अच्छा लगा जगह, मुझे शाम जगह, सुकून जगह, अच्छा लगा। अच्छा एरिया कैसा लगा? एरिया अच्छा लगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पप्पू भाई ये एरिया के अंदर अभी अगर आपको रहने के लिए दूँ तो आप रह लोगे? यस सर, ऑफकोर्स। मतलब कुछ ऐसा है, ऐसा लग रहा नहीं कि मैं यही चीज जो है हमारा घर की क्वालिटी देख के पप्पू भाई को बहुत खुशी मिली होगी। माशाल्लाह। क्या हमारे वीडियो में देख के जानबूझ के तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। माशाल्लाह अच्छा लगा, मैं खुश हूँ, घर अच्छा बनवा के लिए है ना। क्या बात है भाई, खुशी हुई ना? खुशी हुई। अपनी फैमिली को वीडियो कॉल करके बताया? अपनी फैमिली को परसों के दिन लाया था भाई, मैं अच्छा दिखा करके मैं लेके गया। कैसा लगा उनको? अच्छा लगा, वो भी पसंद आया, लोकेशन भी अच्छा लगा, और घर की उनको देखिए खूबसूरत लगा। हाँ माशाल्लाह, चलो ठीक है। अभी मुझे बताओ कि आपने जो आप अभी हमारे को कितना कैसे कैसे ई एम आई पे कर दिया? मैं हर महीने जो है मेरा 7,500 का ई एम आई है। 7,500 बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे साथ जुड़ने का, कितने साल से जुड़े हो आप बोले? जैसे कि 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। आपको कभी ऐसा लगा कि यार नहीं 1.5 साल हो गया पैसा दे करके मेरा दिमाग खराब हो गया? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए फोन जल्दी करता हूँ। कभी नहीं करते भाई, तो सच बात है, फोन भी कभी करते नहीं। कभी कभार ऐसे याद करने के लिए याद किए तो बस नाम याद दिलाते, अजहर भाई बोल रहा हूँ, कैसे हो, क्या है, बाकी फोन नहीं करते थे। तो हमारे अजहर भाई जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और साकी नाका में रहते हैं, तो इन्होंने भी हमारे से ऐसे ही इंस्टॉलमेंट पे रूम लिया। फ्यूचर में इनके ये रूम की कीमत 8,25,000 है, 10 साल के बाद 10,15,00,000 हो जाएगी। तो हम लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है, तो आपको कैसा लगा? आप कितने लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो लोग देख रहे हैं और कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे हैं? उनको तो बहुत अच्छा लगा भाई, और कुछ आए साथ में उन्होंने भी लिए है, और कुछ लेने वाले हैं दोस्त लोग, ये बोलते हैं तुम्हारे घर का वीडियो आ जाएगा तो हम भी चलेंगे देख लेंगे। क्या बात है, ले लेंगे, फिर हम भी स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अजहर भाई का भी वीडियो पहुंच ही जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा, और हम लोग जो है ये ईएमआई वाली जो सिस्टम है ये चालू है कुछ दिनों के लिए, और फिर उसके बाद में हम लोगों का कुछ और भी डिसीजन हो सकता है। हम लोगों का ईएमआई 1 RJ का 5,750 रुपया, 1 BHK का 8,250 रुपया, 2 BHK का 10,750 रुपया, 3 BHK का 15,750 रुपये का ईएमआई। बहुत लोग जो है ईएमआई भरते भरते जिनका पोजीशन वाला अमाउंट मेरे पास हो जाता है 1 RJ का 1.5 लाख, 1 BHK का 2,25,000, 2 BHK का 3,25,000, 3 BHK का 4,72,500 रुपये हो जाने के बाद में हम रूम का पोजीशन देते हैं। वैसे ही इन्होंने भी किया था, वैसा करते करते जिनको भी पोजीशन वैसे ही मिला है, वैसे ही मिला है ना। तो जैसे अभी हमारे जी कस्टमर लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो हमारे से बहुत सेटिस्फाइड है, और हमने कभी किसी को फंसाने की कोशिश भी नहीं की, धोखाधड़ी करने की भी कोशिश नहीं की। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि बहुत सारे लोग नहीं, कुछ लोग हैं जो कि हमारे ऐसे YouTube चैनल पे आते हैं और कुछ कमेंट छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहला किसी को पहचानने से पहले, किसी को कुछ बोलने से पहले, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सामने वाले को पहले देखो, अगर फिर आपको नहीं समझ में आया आप आके विजिट करो, फिर नहीं समझ में आया तो आप उसके ऊपर कुछ भी अपलोड कर सकते हो, राइट। तो ये दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे आपको वो मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम लोग नए नए कुछ वीडियोज आते रहता है, कुछ अपडेट रहती है हमारी, कुछ नेरल की भी स्कीम चालू है हमारे पास, ओपन प्लॉट की भी स्कीम चालू है, आपको बहुत सारी चीज है, आप जो चाहो परचेस कर सकते हो, भी इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर से।
तो हम लोग जो है अभी हमारे अजहर भाई को ताला चाबी देंगे, और जैसे हमारे सारे कस्टमर को, हमारे जो भी अजहर भाई हर कस्टमर लोग को हम ताला चाबी देते हैं। अजहर भाई कितने साल से रेंट पे रह रहे हो? नहीं पूछा भाई, मैं रेंट पे 5 साल से रह रहा हूँ। 5 साल से रह रहे हो? इसके पहले कहाँ रहते थे? इसके पहले मैं जोगेश्वरी था, अपनी फैमिली के साथ में था। हाँ थोड़ा सा बस सर, ठीक है बड़ी बात नहीं, वो सब फैमिली के साथ होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ये परचेस करने के लिए आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। आपकी एज कितनी होगी अभी? मेरा 28 है। 28 की एज में और आपने इतना बड़ा घर बनाया है, क्योंकि आज के टाइम में घर खरीदना बोलो तो आप लोगों को मालूम है कि इतने पैसे लगते हैं शुरुआती में, भाई बराबर है? तो ये शुरुआती 28 साल की उम्र में इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और एक घर खरीदा, अभी आए नहीं आए लेकिन ये रेंट पे देंगे, और इस घर के अंदर 5 साल से रेंट पे रह रहे हैं। अभी हमारे अजहर भाई के पास जो है करीब, उन्होंने 5 साल में कितने रूम चेंज करेंगे अभी? अजहर भाई भाई मैं 4 रूम चेंज कर चुका हूँ। 4 रूम चेंज कर चुका भाई, सामने वाले का टाइम होता तो बोलता भाई खाली कर दीजिए। तो अभी हमारे अजहर भाई को ये ताला चाबी देने के बाद, अभी ये ताला चाबी जो है ये इनके खुद के घर का ताला है, अब इनको जिंदगी में कोई भी रूम को ताला मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी टेम्पररी बेस पे ये कस्टमर को रेंट पे देंगे, फिर उसके बाद रहने के लिए आ जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम है वहाँ से सॉल्व करने में टाइम लगता है हर चीज़ को। तो अजहर भाई हम आपको ये ताला चाबी दे रहे हैं, अभी आपका खुद का घर है, अब आप घर को जो है चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, अभी ये घर में आपको अभी ये परमानेंट हो गया। और इसके अंदर रहने के लिए भी आएंगे, फैमिली भी बुरी खुश है, और हमारे लिए कुछ छोटा सा हमारे अजहर भाई को हम लोग जो है ये मीठा मुंह मीठा हम अजहर भाई का करवाएंगे। अजहर भाई हमारे साथ 1.5 साल जुड़े हैं, हमारे बहुत सारे कस्टमर जुड़े हैं। अजहर भाई आपका बहुत ये घर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और ये मैं आपके दोस्त को भी खिला देता हूँ, रखो आप रखो, ये दोस्त को खिला देता हूँ, ये लीजिए, बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको भी। भाई आपको भी मुबारक हो जो आपने इतना अजहर भाई को सपोर्ट किए। हाँ थोड़ा सा भी थोड़ा सा बस। तो अजहर भाई को सपोर्ट किए उसके लिए भाई ने हमारे को कितना कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, सपोर्ट किया, और साथ साथ में घर भी आज उनका खुद का होगा तो उनकी दिल की तमन्ना जो है पूरी होगी, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं, आदमी को घर और वो रहती है। तो दोस्तों हमारे अजहर भाई की तरफ से आप लोग जो ये घर आप देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि घर आपको कैसा लगा, और हमारे हर कस्टमर ऐसे खुश रहते हैं, आप भी दुआ कीजिएगा सबका घर बनते जाए हमारे से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा भी वीडियो देख रहे हैं। ये हमारे स्टाफ के लिए भी भाई ने लेकर के आए थे, और ये हमारे लिए भी लेकर के आए थे दो दो, अभी हमारे दोनों जगह ख्याल रखा जाता है, एक से स्टाफ का भी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि मेरा योगदान तो सिर्फ ऑफिस में होता है, पूरा स्टाफ का योगदान होता है जो यहाँ पे काम किया जाता है। सही बात है ना सर भाई, आपको हमारे स्टाफ कैसे लगते हैं काम करने में भाई? सही काम करने में? हाँ काम करने में भी अच्छे हैं। कोई तकलीफ वगैरह? तकलीफ है तो बोलो फिर। नहीं भाई तो ठीक है, हमारे अजहर भाई जो है हमारे से बहुत कुछ वैसे ही चल रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा ये वीडियो देखने के मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।